ये तवानाई की कारगर्दगी के मुतालिक है, तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है, लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। दो कुर्सियाँ लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर दो लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हो, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है, कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी? नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज़ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है। Thank you.
देखो मैंने हिसाब लगा कर देख लिया, हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ, हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो, मदद करो, मदद करो। अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। आई। शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूँ? नीचे कैसे जाऊँ? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। ग्यारह, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 145, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा, मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो बैठ? इसे जल्दी निकालो, बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे, एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? ये ठीक है, बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। तुमने क्या कर दिया? अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये
काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे और बैट को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को चार गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबेद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ, ये मजाक नहीं है। नहीं उस्ताद। ओ? 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 बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई।